रोके हमसे दारा दियो भी पूछे ले कैसे पर गईलू आकांक्षा तू प्यार में। इहा मतलब के बा सारी दुनिया रे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजे न्यूज और मैं विभू कुमार झा। इस वक्त हमारे साथ एक भोजपुरी के उभरता हुआ सिंगर हैं जो कि सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं और अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही भोजपुरी की मॉडल आकांक्षा दुबे का खबर आया सुसाइड का। सनसनी हो गया पूरे भोजपुरी में, हलचल मच गई। लेकिन उसी की यादों में आखिर जो लोग प्यार कर बैठते हैं ये कहाँ तक सही होता है और क्या इम्पैक्ट होता है। एक उभरता हुआ सिंगर है, सबसे पहले इनका नाम जानेंगे। क्या नाम है आपका? बंटी साधु। बंटी जी, ये बताइए कि आप कब से गाना शुरू गाते हैं? ये हो गया चार पाँच साल हो गया। पाँच साल से? हाँ। क्या भोजपुरी में जो मतलब कि एक सुरीली आवाज़ों में छाने वाला जो गायक हैं, चाहे वो पवन सिंह की बात करें, खेसारी लाल यादव की बात करें, तो कितना आगे बढ़ना है? मुझे कुछ यूनिक करना है, खुद में ब्रांड बनना है, कुछ अलग करना है भोजपुरी को। मतलब कुछ कुछ यूनिक मतलब देना है भोजपुरी में, मतलब कुछ अलग करके दिखाना है। कुछ अलग करके दिखाना है, मुझे किसी का कॉपी नहीं करना है। कॉपी नहीं है? नो नो नो। क्योंकि जो लोग आगे बढ़ते हैं वो अपनी क्वालिटी को निखारते हैं, ना कि कॉपी करने के बाद। नहीं, हम अपना कुछ अलग करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं भोजपुरी में भोजपुरी का सलमान अली बन के दिखाऊँ। वाकई में मतलब सलमान अली बनना चाहते हैं आप? भोजपुरी का, भोजपुरी का और बिहार का। चाहे ये पावर स्टार ट्रेंडिंग स्टार जो लोग हैं उनके उनके जैसा नहीं? नहीं, मुझे भोजपुरी का सलमान अली बनना है और भोजपुरी में कुछ यूनिक करना है। यूनिक करना है अपने बिहार के लिए। बंडी जी, देखिए अभी हाल ही में एक घटना हुई आकांक्षा दुबे को लेकर। एक उभरता हुआ मॉडल एक्ट्रेस चली गई, बताया जा रहा सुसाइड हुआ, लेकिन कई सारे लोग कह रहे हैं कि मर्डर है। और ये एंगल ट्रायंगल जो है थोड़ा लव ट्रायंगल भी है इसमें, तो उस लव ट्रायंगल के बारे में क्या कहेंगे थोड़ा जो भी अपडेट आपके पास है? एक सॉन्ग है मैं गाता हूँ जो मतलब। अच्छा, ये लव ट्रायंगल पे जो अक्सर लोग परेशान होते हैं, ये लव ट्रायंगल पे आपने गाना गाया है, कौन सा गाना, क्या है ये सॉन्ग? हमारे आइडल गुंजन सिंह जी के हैं। गुंजन सिंह का है? हाँ। ओके, गाना है मितवा कि रोके हमसे दारा दियो भी पूछे ले है। रोके हमसे दारा दियो भी पूछे ले कैसे पर गईलू आकांक्षा तू प्यार में। इहा मतलब के बा सारी दुनिया रे। इहा मतलब के बा सारी दुनिया रे कैसे पर गईलू पगली तू प्यार में। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। जो आपने गाना गाया है वो कहीं ना कहीं उस आवाज़, वो आपका जो एक खनक है ना, वो दिखता है। और जो भी लक ट्रायंगल में जो शिकार हो जाते हैं लोग, कहीं ना कहीं उनके लिए मैसेज है। और देखिए, जो भी गाना आप गा रहे हैं, क्या एक मंच आपको मिलनी चाहिए, क्या कहेंगे? मुझे यकीन है बिहार के जनता जनार्दन पे मेरे लिए भी कुछ जरूर सोचेंगे। आपको पता नहीं है कि सोशल मीडिया कैसा प्लेटफॉर्म है जो अर्थ मतलब कि फर्श से लोग अर्थ पे पहुंच रहे हैं, जैसा कि आप देखे होंगे अमरजीत जाकर, राइट? तो क्या लगता है कि आपको भी भोजपुरी में एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो आप भी पवन सिंह से भी एक ऊपर लेवल के कलाकार बन सकते हैं? कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक आप दिल से जो गाओ भोजपुरी का गाना जो आप दिल से गाते हैं, आपके जो पसंदीदा हो, दर्शक जो दर्शक हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए जो आपको चाहने वाले होंगे, गाइएगा। कि तोरा बिना दुनिया वीरान लागे गोरी रे। कि तोरा बिना दुनिया वीरान लागे गोरी रे। कि जियते शरीरिया बेजान लागे गोरी रे। कि जियते शरीरिया बेजान लागे गोरी रे। कि तोरा बिना दुनिया वीरान लागे गोरी रे। नजरा न तोरता नजरिया का होई रे। छोड़ गईलू तू ही ता उमरिया का होई रे।
जिंदगी यार थी उमर, हाय जिंदगी यार थी उमर, एक समान लागे गोरी रे की तोरा बिना दुनिया वीरान लागे गोरी रे की तोरा बिना दुनिया वीरान लागे गोरी रे। क्या बात है, ये तो दिल को छूने वाला आपका जो एकदम सॉन्ग है। कहीं ना कहीं ये गाना भी तो आकांक्षा दुबे के लिए मैसेज दे रहे हैं आप कि आप यदि चले जाते हैं तो आपके बिना ये वीरान है सिचुएशन। कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में तो ऐसा है, लोग तो मातम में है, क्या कहेंगे? सब सब मातम में, क्योंकि एक अच्छी एक्ट्रेस के रूप में माना जाता था आकांक्षा दुबे को लेकर। जी जी। अच्छा, आप यदि भोजपुरी में एक बड़े लेवल पे जाना चाहेंगे तो सबसे पहले वल्गैरिटी की बात करें, जो अश्लीलता जो लोग कुछ लोग गाते हैं, उलूल जुलूल बाहियात चीजें परोसते हैं, समाज सुगंधगी फैलाते हैं, तो क्या उसको आप लेके चलेंगे या फिर खत्म करेंगे? नहीं, मैं कुछ यूनिक करूंगा, ब्रांड ब्रांड भोजपुरी को ब्रांड मतलब ब्रांड तरफ में मैं मुड़ूंगा। हाँ, कुछ अलग करने की कोशिश करूंगा। ये जो अश्लीलता जो फैलाते हैं वो उसके लिए नहीं, इस टाइप का नहीं, मेरा आएगा तो कुछ अलग लेवल का गाना आएगा। ओके, यानी कि जो भोजपुरी की जो मिठास है, भोजपुरी की जो एक अपना रिस्पेक्ट है वो लेके चलेंगे, वो लेकर चलेंगे। और जो आज का जनरेशन है, जो युवा है, उनके दिलों में जगह बनाना है मुझे, और साइड इमोशनल और रोमांटिक ऐसा कुछ लेकर आए। चलिए, शुक्रिया मिट्टू जी। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने भोजपुरी में जो एक उनकी जो खनक है आवाज़ का, और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड करते हैं, और इनकी आवाज़ यदि पहुंचती है भोजपुरी इंडस्ट्री के उन तमाम बड़े दिग्गजों के बीच, तो इनको मौका मिलेगा और मौका मिलेगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे यूनिक करना है, और यूनिक यानी भोजपुरी का सलमान अली बनना है, और भी अपडेट्स से जुड़िएगा। फिलहाल शुक्रिया।